सो जय हिंद दोस्तों, स्टॉक बर्नर के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत। वैसे मैं जनरली रोज ब्लॉगिंग करता हूँ, तो आज पूरे अपने रूम का आपको टूर करवाता हूँ और एक एक पर्टिकुलर चीज़ का आपको प्राइस भी बता दूँ, और साथ ही मैंने कब कब लिए थे, किस पर्पज से लिए थे, क्यों मैं इनको यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको एक एक करके अपने जो भी मेरा लैपटॉप है, टैबलेट है, स्क्रीन है, इसका मेरे लिए क्या यूज़ रहता है, मैं किस तरीके से इनको यूज़ करता हूँ, ट्रेडिंग में मेरे को क्या हेल्प करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो आज वैसे तो आज बाहर हो रहा है बारिश, बारिश के मौसम में हम कहीं जा नहीं सकते व्लॉगिंग करने के लिए, तो अपन ने सोचा कि उन्हें कुछ रूम पे कर लिया जाए। ठीक है, तो रूम पे शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो मेरे पास गैजेट था, जो मेरे पास टैबलेट था, ये था जिससे मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। और एक मैं इससे पहले आपके लिए एक व्लॉगिंग ये सेटअप टूल बना चुका हूँ, बट उसमें क्या था, वॉइस का कुछ प्रॉब्लम था, तो अभी आपको आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो अभी आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ और मैंने कब लिया था। तो ये पहला था मेरा टैबलेट, 19,000 रुपये के आसपास का लिया था, और इसी के साथ मैंने ये फ़ोन जिसमें मेरा अभी कॉल आ रहा है, ये फ़ोन मैंने लिया था अराउंड 19,000 का सेकंड हैंड, जो कि रुद्रपुर से लिया था। मेरे भाई और मैं गए थे इसको लेने के लिए, तो ये भी 19,000 का, ये भी सेकंड हैंड था। तो ये दो मैंने लिए थे लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के टाइम पे। ये फ़ोन दिख रहा है ना, ये बहुत खतरनाक फ़ोन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं, ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जिनको मैं उठाता भी नहीं, सिर्फ बचता है। ठीक है, बट ये फ़ोन मैं अपने साथ लेके आया था, जब मेरे पास फ़ोन मेरा सबमिट था कहीं, तो मैं इस फोन में सिम था, तो इससे मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आप मानोगे नहीं, बट इसी से किया है, बाद में ली थी, तो इसी पे ही सब कुछ टिका हुआ था मेरा। एंड उसके बाद जो मैंने सबसे पहला अपना लैपटॉप लिया वो ये था Asus का, ये है i3, और इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा था फ्लिपकार्ट से 35,000 रुपये के आसपास, चीपेस्ट है, आपको लेना है 35,000 में, बहुत अच्छा लैपटॉप है, ये पूरा इसी से चलता है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम इससे कनेक्टेड है, कुछ दिक्कत नहीं, कभी गर्म नहीं होता, दिन भर चलता है, बहुत अच्छा लैपटॉप है, अभी भी है और आगे भी चलाऊंगा इसको। फिर उसके बाद मैंने ये स्क्रीन ली थी, सैमसंग की स्क्रीन है, ये मेरे न्यूज़ देखने के काम आते हैं, सुबह से यहाँ बैठ के फर्स्ट क्लास न्यूज़ देखता हूँ, और मेरे को यहाँ पे सारा कुछ दिन की न्यूज़ इससे मिलती रहती है। ये मैंने लिया था 12 से 15 हज़ार के आसपास, लोकल शॉप से लिया था। इसके साथ मेरा, आपने इंस्टा पे देखा होगा, पहले एक और टीवी था जो मैंने दो स्क्रीन लगाई हुई थी, उसका प्राइस भी 12-13 हज़ार था, वो भी मेरे को फ्लिपकार्ट से मिला था, वो भी मैंने ऑर्डर किया था, वो भी काफ़ी अच्छा, बट मैं अभी उसको बगल वाले रूम पे एज ए टीवी यूज़ करता हूँ। एंड उसके बाद मैंने जो अपना लिया ये लैपटॉप, ये है मैकबुक एप्पल है भैया, देख लो यही तो है बात ट्रेडर की, ये है मैकबुक, ये मैंने लिया था लास्ट ईयर ही लिया था, सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम पर लिया था, काफ़ी तगड़ा लैपटॉप है, मतलब 1,10,000 रुपये के आसपास भी पड़ा है, तो उसी के हिसाब से मतलब वैल्यू भी देता है, काम भी बहुत अच्छा है, सारा वीडियो का टर्म से टर्म जितना भी काम है सब इसी में निपट जाता है मेरा। फिर उसके बाद मैं आ गया था किस पे, ये जो बड़ी वाली स्क्रीन थी, ये स्क्रीन मैंने आपको पहले ही बताया, मैं सुभाषी सर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ, उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो उनके पास ये स्क्रीन है, मैंने भी ये लेने की सोची थी कि मैं लूँगा बट ये मंगा लिया, अमेजन से मंगाया था, उस वक्त 80,000 के आसपास था, मैंने मंगाया था 15 दिन में आया था मेरे पास, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वैल्यू ऑफ मनी है, 3-4 स्क्रीन लगाने की जरूरत है नहीं मुझे, है ना, तो एक ही मैं 3-4 स्क्रीन यहाँ पर लगा के काम कर चला सकता हूँ, 2-4 चार्ज लगा सकता हूँ, 2-4 यहाँ से कुछ भी यहाँ पर खोल के अलग अलग मल्टीटास्किंग में इस पर कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा सही है ये सिस्टम, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसके बाद जो अभी मैंने रिसेंट लैपटॉप लिया है, आपने देखा होगा इसका वीडियो काफ़ी इंस्टाग्राम पर चल रहा था, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे उस वीडियो को अपनी एड चलाने के लिए, तो जो मैंने लैपटॉप लिया था ये अराउंड कितने का होगा ये अराउंड 1 लाख के आसपास का इसका प्राइस है, बहुत अच्छा लैपटॉप है, बहुत मज़ा आता है मेरे को, तो कई इसमें मैं काम तो इसमें कुछ करता हूँ नहीं, बट मुझे ऐसे करने में बड़ा मज़ा आता है, ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे टच वच करके काफ़ी सही हो जाता है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, अगर इसमें मैं इसमें अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप टेलीग्राम 2-4 चीज़ें एक साथ खोल लेता हूँ, फिर टच करके ठक 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 एकदम बहुत स्पीड से काम होता है, कहीं मज़ा आता। बाकी हरी घास ये दुकान से खरीदी थी कि मंगाए थे मैंने, बहुत ऐसी हरी घास है ना, और कहाँ है हरी घास, ये देखो हरी घास और ये दो हरी घास, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही मिल ही जाते हैं। एंड उसके बाद एक और स्क्रीन दिखाता हूँ, वॉइस कैंसिलेशन, ये जो अभी मैंने रिसेंटली लिया था, ये 55 इंच का इसको बोलेंगे स्मार्ट टीवी, इसको मैं वो भी कर लेता हूँ, मिरर करके भी यूज़ कर लेता हूँ, HDMI से भी यूज़ कर लेता हूँ, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है, इससे मिरर करके इसमें चार्ट वार्ट देख लो, बड़ा बहुत बढ़िया चार्ट दिखता है, कहीं मज़ा आता है देखने में, ऐसा फील आता है कि हम ट्रेडर हैं। फिर उसके बाद ये लैपटॉप देख रहे हो आप, ये लैपटॉप ऐसा है, ये जिंदा है मरा है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जब काम करो तो ये इसमें काम सारा हो जाता है, बट अभी पता नहीं चलता कि इसका कोई यूज है नहीं है, हमारे पास है या नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत पुराना है, वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, तो ये भी इसका प्राइस तो मुझे पता नहीं, बट इसका प्राइस अराउंड 45,000। ये जो टेबल है 2800 रुपये की मेरे को पड़ी थी, बहुत अच्छा टेबल है, लोकल से ही लिया था मैं, ठीक है, और जो कुर्सी है ये मेरी पहली चेयर थी, मैंने 6,000 रुपये के आसपास मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, अभी भी चलती है,
फसला घूमती हुई है, मजा आता है इसमें काम करने में, ठीक है। और एक और जो मैं कुर्सी जिसमें भी मैं बैठा हूँ, ये देखो, ये देखो कितना मजा आता है इसमें। यही तो है ट्रेडर को, यही तो चाहिए, फसला टेढ़ा हो जाओ। ये है, ये भी लोकल शॉप से ली थी, ठीक है। और इसका भी प्राइस अराउंड मेरे को पड़ा था 5-6 हजार के आसपास। बहुत अच्छा एकदम, ये इस तरीके से बैठता हूँ मैं इसमें ट्रेडिंग करते वक्त। अब मुझे सारी स्क्रीन देखनी है, मैं इसे घूमता भी हूँ, ये तो कहीं मजा आता है इसमें, है ना। और बाकी ये जो टेबल है, अब ये वाला टेबल ही मेरे को अराउंड 3 हजार के आसपास पड़ा था, ये जो टेबल है, ठीक है। और माउस वाउस ये तो छोटे मोटे गैजेट हैं, चाहिए होते हैं। ये मेरे पास एक कैमरा रखा हुआ है, इसमें मैं लाइव क्लासेस जो चलाता हूँ, है ना, वो इस कैमरा, ये वाला जो हमारा वेबकैम, इसको कनेक्ट करके इससे मेरी क्लासेस चल जाती हैं। और ये जो इसका पेन है, ये मेरा नोटपैड की तरह काम करता है, पूरा का सारा काम इसी में हो जाता है। तो मेरे को किसी बड़े स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं है बढ़ाने के लिए, इसी में समझ आ जाता है लोगों को, समझदार लोग आजकल बहुत, ठीक है। और ये जो टेबल, ये पूरा सिस्टम अराउंड 35,000 का है, पूरा जो लकड़ी का है। और ये टेबल है, ये जो वुडन जितना आइटम, अराउंड 35,000 का बनवाया था मैं पूरा का पूरा। और बनाने वाले ने मेरा ऐसा चुतिया काटा, ये परसों मैं यहाँ पे इसको लेके बैठा था, है ना, यहाँ पे इस चेयर में बैठे थे हम, तो ये गिर गया। और अब ये रिपेयर होना है, ये वरना सीधा खड़ा होता है, बट अभी टेढ़ा खड़ा है क्योंकि इसको मैंने टेढ़ा किया है, वरना गिर जाएगा। इसका जो ये है, ये वाला सिस्टम नीचे से भी हिल रहा है, फिर भी रिपेयर होगा। और इसमें मैंने कुछ किताबें रखी, देखो नहीं पुस्तक है, पुस्तक आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बट दिखाने के लिए होनी चाहिए कि हम ट्रेडर हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा दिमाग है, लेकिन है नहीं वैसे, बट दिखाना तो पड़ता ही है। और ये जो कुछ ट्रॉफी, बहुत पुरानी मेरे पास ट्रॉफी आती है, उनमें से एक ही थी जो मुझे पसंद आई, बाकी तो सब फर्जी ट्रॉफी दी थी उन्होंने, ठीक है। और ये फुसफुस, ये कुछ बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखो, ये है इतनी छोटी सी चीज, इसका दाम है 10,000। ये है हार्ड डिस्क, इसमें सारा मेरी मेमोरी, सारा डाटा इसमें फीड है, यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पक्का फीड रहता है, तो ये बहुत काम की चीज है। जिससे शूट हो रहा है, ये मैंने पहले ही बताया, iPhone 13, ये मेरे सारे के सारे गैजेट जितने हैं सबसे एक्सपेंसिव, 1,14,000 का है, है ना। अगर ये कहीं गिरता है, मेरा दिल फट जाता है, फेफड़े फट जाते हैं देख के। तो सबसे एक्सपेंसिव आइटम मेरे ओवरऑल जो मेरा कलेक्शन है, ट्रेडिंग सेटअप है, उसमें सबसे एक्सपेंसिव आइटम यही है। ये मेरे पास ये टाइटन वॉच जो मैं पहनता हूँ, ये भी मैं ट्रेडिंग सेटअप में ही कैलकुलेट करता हूँ, इसी में ही लिया है। और वॉचेस का मेरे पास काफी 2-4 घड़ियाँ रहती है ना। और अगर मैं वॉचेस दिखाऊं, ये भी एक वॉच पड़ी है, ये जी शॉक की है, बहुत पुरानी आर्मी ग्रेड है, 8,000 के आसपास का प्राइस था, काफी अच्छी चलती है, और इसका भी अराउंड 9-10,000 इसका भी प्राइस है। ये हेडफोन, मैं इसको पहन के ऐसे गाने आने सुनता हूँ, कहीं मजा आता है, बड़ा सही है, लेकिन मैं यूज कभी करता नहीं उसको, तो ये भी है। और हाँ, एक और चीज दिखाता हूँ, ये है मेरे पास एक और खतरनाक चीज, ये है MI का स्मार्ट स्पीकर, इसको बोलता हूँ ना ओके गूगल ये बजा दो, बजा देता है, लेकिन इसको कनेक्ट करना, बट मेरे पास तो स्पीकर है, बहुत सारा सिस्टम है, तो पड़ा रहता है, किसी को चाहिए हो तो बता देना, मेरी तरफ से गिव अवे हो जाएगा ये, ठीक है। और ये है, ये इसमें कलम रखी रहती है मेरी, और ये लकड़ी का है। इसके साथ जो नीचे स्पीकर है, ये बहुत तगड़ा है, होम थिएटर है, इसका प्राइस अराउंड 28,000 रुपए के आसपास का स्पीकर है, जब बजता है तो पूरा हिलाता है, बजा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा भैया, वीडियो हो जाएगी बंद, ठीक है। तो और बाकी मेरे पास कुछ नीचे तार वार दिख रहे होंगे, इस तार वार तो हर किसी को पता है कैसे वायरिंग करनी पड़ती है, सारा वायरिंग कैसे, वाईफाई मैंने लगवा रखा है रूम पे, ब्रॉडबैंड इस पर्दे के पीछे है, ये शीशा इसलिए है, जब मैं सुबह नहा के आता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, बॉडी देखता हूँ कि अपना ही रूम है, तो थोड़ा ऐसे, और जब कोई वीडियो भी बना रहे होते हैं, शूट कर रहे, तो थोड़ा सा अपने को देखना पड़ता है कि हम कैसे लग रहे हैं, अगर नमूने जैसे दिखेंगे, चूतियों जैसे दिखेंगे, तो फिर सारा का सारा मजा नहीं, मजा खराब हो जाएगा। अब ये है बोर्ड, है ना, ये है बोर्ड, अब स्पेलिंग गलत होगी मुझे नहीं पता, ये हमारे काम आता है कि अपने जो टास्क होते हैं, कि जो हमने रोज करने हैं, उसमें वो इसमें लिखे रहता हूँ, क्योंकि अब मैं यहीं पे सोता हूँ बिस्तर पे, और यहीं से उठा के जो टास्क है सुबह देखता हूँ कि हाँ ये करना होता है रोज, वरना मैं भूल जाता, तो ये इसके लिए है। बाकी एक और चीज दिखाता हूँ बड़ी मजेदार, ये हम बैठे, ये हमने उठाया, ये और ये है गिटार, सिर्फ टाइम पास के लिए, ठीक है। आता तो है नहीं बजाना, 2-3 कॉर्ड मेरे को ऐसे चलानी तो आती है, बट बजाना कुछ आता नहीं है, ये ऐसे ही करते रहता हूँ, बजाना नहीं आता, ठीक है, मैंने 1-2 बीट सीखी है, बट ये ऐसे करके जब मैं इसको रख देता हूँ ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है सेटअप, ठीक है, ऐसा लगता है कि उसको बजाना भी आता होगा, तो इसको सही लगता। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो चश्मों का कलेक्शन भी रखा हुआ है मैंने, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो लेंस काट के काफी अच्छे हैं। इनसे क्या होता है, जब भी आप यहाँ पर बैठोगे स्क्रीन के आगे, दिन में 6-6 घंटा अगर आप बैठते हो ट्रेडिंग के लिए, तो आंखों में बहुत ज्यादा उससे दर्द होता है, मेरी आंखों में देखो गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, तो ट्रेडिंग ऐसे सोचते हैं कि बैठ के सीधा पैसा बन जाता है, बनता ही नहीं है, 6-6 घंटा बैठना पड़ता है तब जाके 1-2 ट्रेड मिलते, इसको लगाना पड़ता है। उसके बाद हम रात को भी देखते हैं स्क्रीन, इतनी स्क्रीन देख रहे हो, उतनी स्क्रीन देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आंखों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इससे डैमेज हो जाती है आपकी आंखें, और वो ड्राइनेस, वो आंखें ड्राई हो जाती है, तो इसको पहनना जरूरी है। तो ये मेरा ओवरऑल पूरे रूम का एक
टूर था। और हाँ, ये जो हरियाली आपको दिख रही है, घास पत्ते सब नकली है, असली मत समझना, बहुत टाइम से है। मैंने लगाए थे, बाजार से खरीदा था, 500 रुपए का था पूरा। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, मेरे पास और पड़े हैं, किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कमेंट करके बता देना है, और है मेरे पास ही, मैं अब यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे पास चार्ट पैटर्न का भी पूरा हुआ है, लेकिन वो ऐसे उखाड़े हुए हैं, तो चाहिए तो बताना कोई। और ये मेरे पास ये रंग बिरंगा, इसमें RGB लाइट है पीछे से, ये मेरा स्टॉक भंडार का लोगो। ठीक है, ऊपर एक सीनरी है, और ये सीनरी बढ़िया है, यहाँ पर ठीक लगती है। एक सीनरी वहाँ ऊपर है, वो पीछे वाले छेद को छुपाने के लिए है, वो वहाँ पर छेद बहुत बड़ा है, स्टोर है वो। तो ये माइक है, ये पता नहीं DJ Tech का है, मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, झाटू माइक है, सही बता रहे, बहुत बकवास माइक है। इसको भी मंगाया हमने, यहाँ इतने दिनों बाद आया, पट 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 करके इसमें से आवाज आती है। तो DJ Tech वाले माइक ठीक कर लो, तुम 5-6 हज़ार रुपये ले रहे हो, माइक नहीं दे रहे हो ढंग का। तो इसका रिव्यू मैंने कर दिया आपके सामने। और ये रिंग लाइट है, ये ऐसी एक और है मेरे पास, ये करीबन 4-5 हज़ार रुपये की पड़ी थी मेरे को। और बाकी यही है मेरा ओवरऑल रूम। आपको आई होप आपको ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप पसंद आता है, सभी इंस्टा पे बहुत पसंद करते हैं मेरे ट्रेडिंग सेटअप को, और यूट्यूब फैमिली को भी दिखाना जरूरी था। और ये पूरा रूम ही है मेरा, जिसमें हम बैठे लगे रहते हैं, काम करते हैं, दिन रात जल्दी पड़े रहते, ऐसा कुछ है नहीं। ट्रेडर अगर आप सोचते हो कि दुबई उबई में आके रहता है, नहीं, गांव में रहते हैं आप। बाकी आपने सारे ब्लॉग्स में देखा ही है मैं कैसे रहता हूँ। तो मेरा ओवरऑल रूम का एक सेटअप था, आपको दिखाना था कि कैसे कैसे मैं किन किन चीज़ के लिए इनका यूज़ करता हूँ। ये वाला मेनली क्लासेस के लिए होता है, ये वाला लैपटॉप हमारा एडिटिंग वगैरह के लिए होता है, यूट्यूब की वीडियोस। ये जो टैबलेट है, इसमें सिर्फ गाने बजते हैं। इसमें मेरा पूरा ओवरऑल जिसमें चार्ट देखता हूँ, पूरा ट्रेड सारे इसी में देखता हूँ। ट्रेड मैं फ़ोन से करता हूँ, ये खाली पड़ा रहता है क्योंकि इससे कनेक्टेड है। उस TV पर न्यूज चलते हैं, इस TV पर कपिल शर्मा शो चलता है, तो ये अपना यही है यूज। वहाँ के जो थिएटर है, गाने बजते हैं होम थिएटर में, तो इसी पर बैठ के अपन दिन भर काम करते हैं। तो यही था मेरा ओवरऑल ट्रेडिंग सेटअप और रूम टूर। आई होप आपको मेरा सेटअप अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपके भी काफी सारे लोगों के ट्रेडर्स के ड्रीम होता है ऐसा एक अपने ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। भाई लास्ट ईयर अगर मैं इस टैबलेट से स्टार्ट कर सकता हूँ लास्ट ईयर अप्रैल में, और मैं अभी अपना पूरा सेटअप खड़ा करके ट्रेड कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। बट ये है कि आपको मैं हमेशा ही बोलता हूँ, सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग में सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा कोई टास्क है नहीं इसमें सक्सेस नहीं मिलती, बट आप स्टार्टिंग में सारा लॉस कर जाते हो ना, दिक्कत वहां पर। तो प्रोसेस को फॉलो करो और टाइम दो अपने आप, जितना ज्यादा टाइम दे पाओगे, जितना ज्यादा मार्केट को सीखने पर टाइम दो, जितना ज्यादा खुद को एनालाइज करने पर टाइम दो, उतना जल्दी आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। और मेरी तरह आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो बैठ के, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। आप मंथली रिटर्न्स अच्छे निकल जाते हैं, चल जाता है घर। ऐसा कुछ है नहीं कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, हम बना रहे तो आप भी बना सकते हो, सभी बना रहे हैं जो भी अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ब्लॉगिंग कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को भी दबा देना ताकि आपको पता चले कि वीडियो डाल दी है, तो हर दिन 10 बजे डल जाती है, तो आप देखते रहो। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई थी, लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आपको पूछनी है और क्या चाहिए। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम का स्टॉक बंडर ऑफिशियल करके मेरा पेज है, उसको फॉलो करो जाके, उसमें डेली की रील्स डलती है, डेली की मैं ट्रेड्स शेयर करता हूँ। और टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।